हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर प्रश्नों के टेस्ट श्रृंखला का यह है तीसरा भाग। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंडीगढ़ के कलाकार नीरज शर्मा किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो चंडीगढ़ से संबंध है समकालीन कलाकार नीरज शर्मा जी का, जो जाने जाते हैं अपने फोटोग्राफी के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, फोटोग्राफी। प्रश्न दो है, राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कहाँ हुआ था? राम गोपाल विजयवर्गीय जी पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप जरूर देखिएगा। उनका जन्म हुआ था सवाई माधोपुर में। आंसर है ऑप्शन ए, सवाई माधोपुर, जो राजस्थान में है। प्रश्न तीन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने हास्य चित्र को किस आकार में दिखाया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी पर भी मैं प्रश्नोत्तर का और कला परिचय का वीडियो बना चुकी हूँ, आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा। उन्होंने जो चौकोर कोणों में दिखाया है हास्य को, हास्य चित्रों को, और प्रथम भारतीय हास्य चित्रकार या व्यंग्य चित्रकार कहलाते हैं। प्रश्न चार है, तैयब मेहता किस कलाकार से प्रभावित थे? तैयब मेहता जी पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, इन पर जो प्रभाव कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रांसिस बेकन, जो कि थे ब्रिटिश आयरिश कलाकार, आयरिश ब्रिटिश कलाकार थे, और इनका जो काम था फिगरेटिव काम, उससे प्रभावित हैं तैयब मेहता जी के काम। फ्रांसिस बेकन, इनका जन्म हुआ था 1909 में, और 1992 मैड्रिड स्पेन में इनका देहांत हो गया, और इनसे प्रभावित हैं तैयब मेहता जी, जिन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। प्रश्न पाँच है, गोपाल घोष का जन्म किस वर्ष हुआ था? भारतीय कलाकार हैं गोपाल घोष, इनका जन्म हुआ था 1913 में। आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न छः है, राघव कनेरिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राघव कनेरिया प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार थे, और इनका संबंध था गुजरात से, मूर्तिकला में प्रसिद्ध थे। 1936 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। प्रश्न सात है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा पूर्णतया भारतीय शैली में निर्मित चित्र का शीर्षक क्या है? पूर्णतया भारतीय शैली, क्योंकि उनके चित्र जो रहे वो जापानी पद्धति, मुगल कला, उन चीज़ों का भी प्रभाव था, तो यह पूछा गया पूर्णतया भारतीय शैली, तो वो थी उनका चित्र जिसका शीर्षक था शुक्ला विसारे। आंसर है ऑप्शन ए, शुक्ला विसारे का पूर्णतया भारतीय शैली का चित्र था। प्रश्न आठ है, लक्ष्मा गौड़ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध भारतीय कलाकार है लक्ष्मा गौड़ जी, जिनका जन्म हुआ है 1940 में, 1940 निजामपुर में इनका जन्म हुआ। MSU बड़ौदा से इन्होंने पढ़ाई की, और इनका जो पूरा नाम है वो है कालल लक्ष्मा गौड़। ये प्रिंट मेकिंग पेंटर ड्राफ्टमैन रूप में जाने जाते हैं, तो इनका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, मतलब इनका जो नाम जिसमें जाना जाता है, वो है चित्रकारी और छापा कला में, यानी कि ए और डी, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ और द दोनों, चित्रकारी और छापा कला में प्रसिद्ध है लक्ष्मा गौड़ जी, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्रश्न नौ है, समकालीन कलाकार विजेंद्र शर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? समकालीन कलाकार है विजेंद्र शर्मा जी, जिनका जन्म हुआ 1962 दिल्ली में, और इन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से प्राप्त की है। चित्रकार हैं प्रसिद्ध भारतीय। आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ था 1962 में। प्रश्न 10 है, भारत में कोला छपाई शुरू करने का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है?
तो भारत में कोला छपाई शुरू करने का श्रेय दिया जाता है कंवल कृष्ण जी को। आंसर है ऑप्शन डी। और इनका टाइम पीरियड था 1910 से 1993। पंजाब में इनका जन्म हुआ था 1910 में, और गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट से कोलकाता से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न है 11। होली डीप 2019 ये किस कलाकार की कृति है? होली डीप 2019 तेल माध्यम में बनाने वाले कलाकार हैं मनु पारेख जी, जिनका जन्म हुआ है गुजरात में अहमदाबाद में 1939 में। और मनु पारेख जी पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कला परिचय का और प्रश्न उत्तर का भी, आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र है फ्लड डियर फ्लड, इसके कलाकार कौन है? चित्र फ्लड डियर फ्लड को बनाया है कलाकार विकास भट्टाचार्य जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, विकास भट्टाचार्य जी का चित्र है फ्लड डियर फ्लड, जो 1982 में उन्होंने बनाया है, 1982 में बनाया है तेल माध्यम में। 1940 में जन्म हुआ था कोलकाता में और 2006 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रश्न है 13। धीरज चौधरी किस कला महाविद्यालय में शिक्षक रहे हैं? धीरज चौधरी जी का संबंध रहा है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से। आंसर है इसका ऑप्शन ए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से इन संबंध रहा है, शिक्षक रहे हैं। 1936 में इनका जन्म हुआ था, वर्ष 2018 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 14 है, समकालीन कलाकार अजय समीर किस विधा के लिए जाने जाते हैं? समय अभी मैंने वीडियो कुछ टाइम पहले ही बनाया है अजय समीर जी पर, चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं ये, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनकी टेक्निक, उनके बारे में कहाँ से पढ़ाई की है, काफ़ी अच्छे चित्र हैं उनके, वो भी मैंने उसमें वीडियो में दिखाए हैं। प्रश्न 15 है, टाइगर ऑन द ब्रिज किस कलाकार की कृति है? टाइगर ऑन द ब्रिज 1968 का चित्र है, 1968 का तेल माध्यम में, और इसको बनाने वाले कलाकार हैं भूपेन खक्कर जी, और ये चित्र इस समय संग्रहित है ललित कला अकादमी दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर जी का चित्र है टाइगर ऑन द ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना किस कलाकार ने की है? गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की है, कलाकार हैं जोगेन चौधरी जी। आंसर है ऑप्शन बी, जोगेन चौधरी जी पर भी वीडियो बना चुकी हूँ प्रश्नोत्तर का और कला परिचय का, वो आप जरूर देखिएगा। प्रश्न 17 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत भवन का न्यासी किस कलाकार को नियुक्त किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने भारत भवन की स्थापना के बाद उसका न्यासी बनाया था जी स्वामीनाथन जी को। स्वामीनाथन जी पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। स्वामीनाथन जी का जन्म हुआ था 1928 शिमला में, और 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोगी सूरजपाल की शुरुआती शैली थी? गोगी सूरजपाल जी जिनकी शैली थी शुरुआती यथार्थवादी, इनका जन्म हुआ था 1945 में, और ये महिला विषय जो है उनके उस पर चित्र बनाती हैं, काल्पनिक तत्व उसमें शामिल करती हैं, उनकी शैली थी प्रारंभिक यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंस्टॉलेशन आर्ट है द निम्फ एंड द एडल्ट, ये किस कलाकार की कृति है? द निम्फ एंड द एडल्ट इंस्टॉलेशन आर्ट है, ये 2001 सिडनी में प्रदर्शित हुआ था, हेमा उपाध्याय द्वारा बनाया गया। आंसर है ऑप्शन ए, हेमा उपाध्याय ने बनाया था इंस्टॉलेशन आर्ट द निम्फ एंड द एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, जयराम पटेल की कृति है यूनिट 1, ये कहाँ संग्रहित है? यूनिट 1 2004 में बनाया था जयराम पटेल जी ने, ब्लो टॉर्च और कास्ट को जलाकर, ब्लो टॉर्च से कास्ट को जलाकर, लकड़ी को जलाकर बनाया था, और ये कृति एनजीए में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है, 2004 की कृति है। जयराम पटेल जी पर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, कला परिचय का भी, प्रश्नोत्तर का,
जन्म हुआ था 1930 आनंद में, जो गुजरात में है, और 2016 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। और ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, कितने हेल्पफुल हैं और आपके कितने आंसर इसमें सही हुए। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, काफ़ी कलाकारों पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और बहुत से कलाकार फिर से, मतलब उन पर मैं प्रश्नोत्तर की वीडियो भी बनाए हैं कलाकारों पे, और उन परिचय की भी बनाए हैं, वो आप ज़रूर देखिए। एक प्रैक्टिस भी हो जाती है डबल देखने से, और विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त होती है। आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा था। गुड लक, जय हिंद।